नमस्कार, मैं इमरान। शहनवाज उर्फ टीपू हत्याकांड को आज 13वें दिन है और मेरी बात मधेपुरा SDPO अजय नारायण यादव से हुई तो उनका कहना है कि अब हम अनुसंधान कंप्लीट करने ही वाले हैं और बहुत ही जल्द, हो सकता है कि कल या परसों, उद्भेदन करके जो भी हत्यारे होंगे उनको आपके सामने लाएंगे। हालांकि जब मेरी बात मुरलीगंज थाना SHO अखिलेश कुमार से हुई तो उनका कहना है कि हमने अनुसंधान लगभग पूरी कर ली है, अब सिर्फ हत्यारे तक पहुंचना बाकी है। तो बहुत ही जल्द आपको हम खुशखबरी देने वाले हैं, चूँकि कानून हत्यारे तक पहुंच चुका है, बस उसे धड़ पकड़ करना बाकी है। बहुत ही जल्द आपको हम खुशखबरी का मैसेज देने वाले हैं। जिस तरह से आप हमारे साथ बने हैं लगातार 13 दिनों से, आगे भी मेरे साथ बने रहें, आपको हर पल की जानकारी आपको हम देते रहेंगे और इस घटना से जुड़ी जो भी जानकारियां होगी वो आप तक पहुंचाते रहेंगे। साथ ही जो भी अपडेट होगा आपको रूबरू उससे कराते रहेंगे। अब हम कुछ ऐसे दर्शकों का कमेंट पढ़ने जा रहे हैं जो लगातार 13 दिन से हर वीडियो पर कमेंट करते आ रहे हैं। शायद आपके जहन में भी सवाल जो होंगे उनका जवाब भी यहाँ पर मिल जाएगा। एक लैपटेक व्लॉग्स करके एक आईडी है जिनसे एक मैसेज आया है, योर वर्क इज़ रियली अप्रिशिएटिव, वी आर वेटिंग फॉर जस्टिस। इसका मैं हिंदी बता दूं, इसका ट्रांसलेशन ये हुआ कि आपका कार्य सराहनीय है और हम न्याय के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। तो लैपटेक व्लॉग टीम को, हमारी व्यूअर्स न्यूज़ की टीम की तरफ से शुक्रिया, आपने मुझे हमें इस काबिल समझा। और अगर आप हमारे काम की बात करें तो हम लगातार इस तरह के कार्य के लिए हम लोग सामने आते रहे हैं, ख़ास करके जनमानस की भलाई के लिए जहाँ तक हो सके हमारा 100% योगदान रहा है। और जहाँ तक की बात है कि जस्टिस के इंतज़ार कर रहे हैं तो हम भी जस्टिस का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन वो इंतज़ार अब बहुत ही जल्द ख़त्म होने वाला है। अगर आपने 13 दिन वेट कर लिया है तो कम से कम 1-2 दिन और वेट कर लीजिए, उम्मीद है कि आपके सामने में कातिल होंगे। इसके बाद एक कमेंट आया है मोहम्मद अकरम का, जो लिखते हैं कातिल को फांसी दो। अकरम जी, बिल्कुल, जैसे ही कातिल पकड़े जाएंगे बहुत ही जल्द कानून उस पर शिकंजा कसने के बाद और एविडेंस के बुनियाद पर उसे फांसी ही होनी चाहिए। हम भी चाहते हैं और कानून भी फांसी ही देने वाले हैं, तो आप थोड़ा सा इंतज़ार कर लीजिए, बहुत जल्द रिजल्ट आपके सामने आएगा। इसके बाद हमें गुड्डू रंगीला एक आईडी है जिससे लिखा जाता है कि कब तक अपराधी ऐसे ही घूमते रहेंगे, अभी तक प्रशासन को कोई सुराग मिला क्या? मोहम्मद इमरान जी, आप ऐसे ही न्यूज़ कवर करते रहें, हम आपके साथ हैं जी। तो गुड्डू रंगीला जी, आपका शुक्रिया, कम से कम आपने हमारे कार्य को सराहा है और हमें उम्मीद है कि आने वाले वक्त में आपके हम उम्मीदों पर खरा उतरेंगे और उस वक्त तक हम इसके साथ बने रहेंगे जब तक कि जो भी कातिल वो पकड़े न जाए और कानून उसे सजा न दे दे। इसके बाद सुमन कुमार भारती लिखते हैं, कातिल बचना नहीं चाहिए और निर्दोष फंसना नहीं चाहिए, जब जाकर मुझे सुकून मिलेगा। थैंक यू इमरान जी। तो सुमन जी, मैं आपको आश्वस्त कर दूं कि कातिल ही पकड़े जाएंगे, निर्दोष तक हाथ नहीं पहुंचेगा, चूँकि खास करके टीपू के परिजन इस बात पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, तवज्जो दे रहे हैं कि कोई भी निर्दोष आदमी इस केस में ना फंसे। तो उम्मीद है कि आने वाले वक्त में जितने भी लोग फंसेंगे सब अपराधी ही लगभग होंगे, तो आप आश्वस्त, आपको मैं करा दूँ। इसके बाद कई ऐसे आईडी है जहाँ से लगातार हमें कमेंट देखने को मिला है, जैसे कि MS राजा जी किया है, दबंग RJ मोहम्मद शहनवाज राज किया है, मोहम्मद बाबू साहेब, इस तरह से कमेंट लगातार करते आ रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि आप इसी तरह से बने रहें, हमें कम से कम भरोसा दें और इस वीडियो को अधिक से अधिक आप शेयर करें ताकि बाकी लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचती रहे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और पेज को फॉलो अवश्य करें। फ़िलहाल के लिए मुझे इमरान को इजाज़त दीजिए, नमस्कार।